इंडियन स्टॉक मार्केट्स नियर फ्यूचर में कितना गिर सकते हैं और क्या लमसम करने का ये सही समय है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम उन सारे फैक्टर्स का लेटेस्ट डिटेल चेक करेंगे जिसके कारण नियर फ्यूचर में इंडियन स्टॉक मार्केट्स ऊपर या नीचे जा सकता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्ट इक्विटी में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो कब करना चाहिए। हमारे YouTube चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के द्वारा हम ट्राई करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज को काफ़ी बढ़ाया जाए ताकि आप खुद से इन्वेस्टमेंट मैनेज कर सकें। तो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी या फिर स्टॉक मार्केट्स को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन 3 पॉइंट्स को चेक करें। नंबर 1, ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है, दैट इज उसका जीडीपी ग्रोथ रेट फिलहाल कैसा चल रहा है और नियर फ्यूचर या फिर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में आप किस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नंबर 2, आप चेक करेंगे जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका अर्निंग पोटेंशियल कैसा है, दैट इज वो किस तरह का प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं फिलहाल और आने वाले समय में आप किस तरह का प्रॉफिट्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 3, आप चेक करेंगे कि ओवरऑल वैल्यूएशन कैसा है, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं या फिर मेजर इंडाइसेस हैं उनका वैल्यूएशन कैसा है। इंडिया का अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे तो दिस फाइनेंशियल ईयर एक्सपेक्टेशन ये है कि हम अबाउट 6.8-7% के जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करेंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट अबाउट 6.1-6.5% तक रह सकता है। यहाँ पे ये क्लियर है कि जो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा है उसके कारण जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है उसके कारण जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो इस फाइनेंशियल ईयर से कम होगा और वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर आप हमारे ग्रोथ पोटेंशियल को कंपेयर करें विथ अदर मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि अमंग ऑल मेजर इकोनॉमीज इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इस फाइनेंशियल ईयर का या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो सबसे ज्यादा है। अगर आप इंडियन कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ देखें तो रीसेंट टाइम्स में वो बहुत अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि बेस इफेक्ट काफी कम था क्योंकि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक बिकॉज ऑफ कोविड ज्यादातर एक्टिविटीज बंद थी या फिर काफी कम हो गई थी, जो कि कोविड के केसेस कम होने के कारण काफी तेजी से बढ़ा है। दैट्स वाई ज्यादातर कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन गोइंग अहेड इन फ्यूचर आप इसी तरह का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कंपनीज का जो अर्निंग ग्रोथ है वो ज़्यादातर कंपनीज का इनफैक्ट वो स्लोली कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कम होगा। अगर हमारी कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ अबाउट 12-15% का एवरेज ग्रोथ भी रहता है तो वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। नाउ 3rd पॉइंट हम चेक करेंगे वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में अगर आप निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो करेंटली वो अबाउट 21.5 है, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर आप निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो ज़्यादा ही रहता है। ऑफ कोर्स ये अबाउट 18 के आसपास रहेगा तो उसे काफ़ी अच्छा माना जाएगा, लेकिन निफ्टी का अगर पी रेशियो 24-25 के रेंज में जाता है तो उसे फिर काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, तो दैट वे ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करेंगे इंडियन मार्केट्स के वैल्यूएशन को तो वहाँ पर ये ज्यादा लगेगा। दूसरी मेजर इकोनॉमीज लाइक यूएस या फिर यूरोप या फिर चाइना की इकोनॉमीज के साथ या फिर उनकी कंपनीज का अगर आप परफॉर्मेंस कंपैरिजन करेंगे इंडियन इकोनॉमी से या फिर इंडियन कंपनी से तो ऑफकोर्स उसमें बड़ा डिफरेंस है। वहां पे ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, जबकि रिलेटिवली इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडिया में जो कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। दैट्स वाई हमारा जो वैल्यूएशन है वो रिलेटिवली ज्यादा है। और अगर आप सेंसेक्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखेंगे तो फिलहाल वो अबाउट 89% के आसपास है, तो ये फेयरली वैल्यूड है। जब भी ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 100 के आसपास या उससे भी ज़्यादा हो जाता है तब हम मार्केट को ओवर वैल्यूड बोलते हैं, दैट इज स्लाइटली ओवर वैल्यूड बोलते हैं। और अगर 115% से भी ज़्यादा चलता है ऊपर चला जाता है तब उसे हम सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड बोलते हैं। तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो वाइज भी ऐसा नहीं है कि हमारे स्टॉक मार्केट्स कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टडी करना चाहते हैं तो फिलहाल आपको इन 2 टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, दैट इज़ यहाँ पे क्या हो रहा है। फर्स्ट है इन्फ्लेशन। तो अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो इंडिया में इन्फ्लेशन अबाउट 5.72% का है,
जो कि पहले से काफ़ी कम हुआ है। और आरबीआई का अगर आप कंफर्टेबल फिगर देखें इन्फ्लेशन का, तो वो है 2% to 6% का, और बेस्ट फिगर होगा 4% का। तो ऑफकोर्स 6% से हमारा इन्फ्लेशन कम हो चुका है, तो वो ये बताता है कि एटलीस्ट इंडिया में इन्फ्लेशन फिलहाल ज़्यादा नहीं है। और अगर आप यूएस में इन्फ्लेशन फिगर को देखें तो फिलहाल वो है 6.45%, और एक समय उनका इन्फ्लेशन 9% से भी ऊपर जा चुका था। तो ऑफकोर्स वहाँ भी इन्फ्लेशन पहले से काफ़ी कम हुआ है, लेकिन यूएस में प्रॉब्लम ये है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का कंफर्टेबल नंबर है वो है 2% का। दैट इज़ वहाँ का सेंट्रल बैंक, दैट इज़ फेड रिजर्व चाहता है कि इन्फ्लेशन को अबाउट 2% के आसपास लाया जाए। तो ऑफ कोर्स उनका इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अभी भी उन्हें इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा कम करना है। सो ओवरऑल मेजर इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन का जो हाई पॉइंट था वो ज़्यादातर केसेस में पहुंच चुका है, और इन्फ्लेशन अब नीचे जा रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सेप्शन होगा जापान, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन 41 ईयर हाई पे है, दैट इज़ अबाउट 4% का। लेकिन अगर आप इंडिया देखें या फिर यूएस देखें तो वहाँ पे एटलीस्ट इन्फ्लेशन कम आ रहा है मंथ ऑन मंथ। सो इन्फ्लेशन तो कम हो रहा है, अब इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट ऑफकोर्स इन्फ्लेशन पे ही डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तेज़ी से इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था। अब जबकि इन्फ्लेशन कम होने लगा है और कम हुआ है, इन दैट केस अब यहां से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक ऑफकोर्स हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया में ऑलरेडी बहुत हद तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ चुका है, तो यहां पे एट मैक्स एक इंटरेस्ट रेट हाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यूएस में भी ऑल्दो अभी भी वहाँ का इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट हाइक होगा। सो वहाँ भी हम अबाउट 2 rate hikes एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मोस्टली मार्च तक जो भी ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट हाइक है वो हो चुका होगा। उसके बाद देखना होगा कि इस वेरी हाई इंटरेस्ट रेट के कारण यूएस इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वहाँ पे रिसेशन के सिम्टम्स आते हैं तो ऑफकोर्स उन्हें आफ्टर फ्यू मंथ्स हो सकता है फिर से इंटरेस्ट रेट घटाना पड़ेगा। और जब भी इंटरेस्ट रेट घटता है तो वो मार्केट्स के लिए, दैट इज स्टॉक मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सो ओवरऑल जो भी फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि अगर आप मेजर इकोनॉमीज को देखें तो वहाँ पे यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था, तो इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, उन्होंने नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रिंट किए थे, तो उस लिक्विडिटी को घटाने के लिए भी ऑफकोर्स उन्हें इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ाना पड़ा है और भी बढ़ेगा, जिसके कारण वहाँ के मार्केट्स में प्रॉब्लम होगा। वहाँ का जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो घटेगा, उसके साथ साथ जो कंपनीज का अर्निंग है वो भी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और अगर आप यूरोप की बात करें तो वहाँ भी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। तो यूरोप का मोस्टली आप बोल सकते हैं कि वो डाउन एंड आउट है, क्योंकि यूरोप का जो मेजर इकोनॉमी है जिसे हम वहाँ का ग्रोथ इंजन बोलते हैं वो है जर्मनी। सो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी शॉक वहाँ भी अगर आप देखें उनका जीडीपी ग्रोथ रेट देखें या फिर कंपनीज का परफॉर्मेंस देखें तो वो भी हिट हो रहा है। और अगर आप चाइना को देखें तो ऑफ कोर्स ये फाइनेंशियल ईयर तो चाइना के लिए अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ कई जगहों पे मेजर लॉकडाउन रहा था बिकॉज ऑफ कोविड, और जब उन्होंने लॉकडाउन हटाया है तो कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहाँ, और नेक्स्ट एटलीस्ट 1 to 2 months वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी में भी रिकवरी आएगा। इनफैक्ट मेजर इकोनॉमी में शायद चाइना ही एकमात्र ऐसा कंट्री होगा जिसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लास्ट ईयर से इस साल ज़्यादा आएगा। तो अगर यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में इस साल प्रॉब्लम आता है तो जो भी इंडियन कंपनीज़ है, स्पेशली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। लाइक आईटी सेक्टर है या फिर फार्मा सेक्टर, हमें पता है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है इंडिया में, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल प्रॉब्लम्स होंगे। अगर मेजर इकोनॉमीज़ में प्रॉब्लम होता है तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि ओवरऑल जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस है वो नीचे आएगा। हमें पता है कि इंडिया ज़्यादातर अपना जो रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल का वो इंपोर्ट करता है, लेकिन क्रूड का जो प्राइस है डाउनसाइड प्रोटेक्टेड इसलिए होगा क्योंकि चाइना में रिकवरी स्टार्ट होगा नेक्स्ट फ्यू मंथ से, जिसके कारण चाइना में हो सकता है कि क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़े। तो यहाँ पे ऑफकोर्स क्रूड ऑयल का प्राइसेस नीचे तो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। सो नाउ दिस ईयर, दैट इज 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स का जो परफॉर्मेंस है वो मोस्टली इन 3 factors पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट है कि FIIs का फ्लो या फिर आउटफ्लो इंडिया में कैसा रहता है। सेकंड, इंडिया के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दैट इज़ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, उनका बाइंग कैसा रहता है या फिर सेलिंग कैसा रहता है।
और थर्ड, इंडिया के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका बाइंग या सेलिंग कैसा रहता है। तो यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ से तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि पॉजिटिव ही है, तो वहाँ से बाई बिल्कुल होगा। ऑफकोर्स पहले से थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि अब डेट में भी अच्छे इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, तो उसके कारण जो इक्विटी का अट्रैक्टिवनेस है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आप FIIs का देखें तो ऑफकोर्स फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि FIIs के इंड से इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे प्रेशर होगा, क्योंकि अगर आप दूसरे मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम है, और जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मेजर इकोनॉमीज में वो ऐसा लगता है कि इस साल तो रहेगा लेकिन नेक्स्ट ईयर से वहाँ भी रिकवरी स्टार्ट होगा। तो हो सकता है कि FIIs का जो फ्लोज है वो उन मार्केट्स में भी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप चाइनीज मार्केट को देखें तो वहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं कि FIIs का पैसा वहाँ जा रहा है, और गोइंग अहेड इन नियर फ्यूचर ऑल्सो ये ऐसा ही होगा, पैसा वहाँ ज़्यादा जाएगा। और इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एटलीस्ट नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि FIIs का ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, इनफैक्ट आउटफ्लो हो सकता है। सो ओवरऑल US मार्केट्स या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस इस साल कोई खास नहीं होगा, रिटर्न्स नहीं आएंगे, लेकिन चाइनीज़ मार्केट से हम इस साल अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट से हम एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट रिटर्न शायद इस साल नहीं आएगा। यहाँ पे भी जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पे प्रॉब्लम्स शायद ज़्यादा होंगे। US स्टॉक मार्केट्स में आप और भी करेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका असर है इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे भी पड़ेगा, लेकिन US स्टॉक मार्केट्स लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, तो वहाँ से ऐसा नहीं लगता है कि US स्टॉक मार्केट्स में कोई बहुत बड़ा गिरावट होगा। ऑफकोर्स 10% तक का या फिर 15% का करेक्शन ऑफकोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 30% या 40% का गिरावट यहाँ से होगा। और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स को देखें तो ऑफकोर्स अगर जो दूसरे मेजर इकोनॉमीज़ हैं, लाइक अगर US का स्टॉक मार्केट उतना गिरता है तो उसका फ़र्क ऑफकोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे भी पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो सर्कमस्टांसेस हैं उसे देखकर नहीं लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट भी एडवर्स कंडीशंस में ऑफकोर्स 5-10% से ज़्यादा गिरेगा। सो 2023 में रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन सबसे ज़्यादा आसान है, वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमेशा ही होगा SIP, दैट इज़ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मार्केट ऊपर है या फिर नीचे है, आप किसी भी समय SIP कर सकते हैं, कभी भी अपना SIP बंद नहीं करें। और अगर आपके पास एक बड़ा पैसा है जो कि आप इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप ट्राई करें कि STP, दैट इज़ सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान ऑप्शन के थ्रू ही करें। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो अच्छा होगा कि आप 6 months का STP करें, और अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो अगर आप चाहें तो 12 months का STP करें। यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल इस मार्केट में करना सही नहीं होगा। अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो आप कर सकते हैं 20-30% इन्वेस्ट करें, और बाकी ऑफकोर्स आप STP या SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। और जब भी स्टॉक मार्केट आपको लगता है कि बहुत 10% या 15% का गिरावट आता है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स आप लमसम कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी स्टॉक मार्केट 1-2 या 3-4% गिरता है, तो वो समय लमसम करने का कोई खास समय नहीं है, तो उस समय अगर आप SIP कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करें या फिर STP कंटिन्यू करें। जब स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा गिरावट आता है तभी लमसम करने का सही समय होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।